ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है, जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। भाजपा बार बार कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनाएंगे, जबकि सीटें उतनी है नहीं इनके पास। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था वो सदस्यों का चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है।